हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। अभी बारिश का मौसम आ गया है और भुट्टे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, कॉर्न। तो आज मैं कॉर्न से कुछ रेसिपी बनाना बता रही हूँ, भुट्टे से, है ना। तो आज जो चीज हम बनाएंगे उसमें है भुट्टे का किस। मैं बना रही हूँ भुट्टे का किस। भुट्टे दो तरह के आते हैं आजकल, पहले देसी भुट्टे ही सिर्फ आते थे, आजकल ये अमेरिकन कॉर्न भी आते हैं। अमेरिकन कॉर्न से यदि भुट्टे का किस बनाओ तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में ये कॉर्न से डिशेस बहुत बनती हैं और भुट्टे का किस हर घर में बनता है। ये भी दो तरह से बनता है, एक फरका किस और एक गीला किस। मैंने कॉर्न लेके इनको कद्दूकस करा है, कद्दूकस से, और इस तरह से कद्दूकस करके रखा है। ये तीन कॉर्न को मैंने कद्दूकस किया है, तो इस तरह से बनाए। इसे हम दाने निकाल के मिक्सी में नहीं पीसना है, ग्रेटर से ग्रेट करना है कॉर्न को, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें है आधा कप दही, एक कप दूध, एक चम्मच शक्कर, दो हरी मिर्ची, आधा नींबू का रस, थोड़ा आवश्यकता अनुसार तेल, नमक, हल्दी और जीरा। यहाँ पर हमने एक पैन गरम रखा है और ऐसा पैन होना चाहिए नॉनस्टिक, जिसमें कि चिपके नहीं। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल इसमें भी अच्छी तरह ही डलता है, मतलब 3-4 टेबलस्पून ऑयल होना चाहिए, कम से कम 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा, आधा टीस्पून जीरा, यानी कि हमारा चम्मच जो बहुत छोटा है उससे हम 1 टीस्पून ले लेते हैं। इसमें हमने जीरा डाला है और जीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो जीरा और हरी मिर्च ली है और उसके बाद थोड़ा सा जीरा जब कड़क जाएगा, जीरा देखो कड़कड़ हो रहा है, जब जीरा कड़क जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी। तेल में हल्दी डालने से हल्दी का कच्चापन नहीं आता, ठीक है। हमने ये डाल दिया, अब जैसे ही ये कड़कड़ हो जाएगा वैसे ही मैं इसमें कद्दूकस करा हुआ कॉर्न डालूंगी। ये कॉर्न है, ये इसमें मैंने डाल दिया और इसके बाद मैं इसको हिलाऊंगी और इसे खूब भूनना है। इतना भूनना है कि इसका जो पानी है वो पूरा ख़त्म हो जाए। ये भून रहा है इतनी अच्छी तरह से। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चिपक नहीं रहा। अगर आप इसे किसी एल्युमिनियम की कढ़ाई में डाल के करेंगे तो ये बहुत चिपकेगा और उसको आप हिला हिला के चला चला के परेशान हो जाएंगे। जब तक ये हो रहा है हम एक साइड में धनिया चॉप कर लेते हैं, धनिया चॉप कर लेते हैं ताकि हमारा एक काम और बच जाएगा। धनिया को काटते समय या जो भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स काटते हैं, ध्यान रखें कि जितना डिस्टेंस कम रखेंगे उतना ज़्यादा ये बारीक कटेगा, जितना डिस्टेंस आप ज़्यादा रखेंगे उतना ये मोटा कटेगा। तो इस तरह से हमको ये पूरा धनिया जो है एकदम फाइनली चॉप करना है, बिल्कुल बढ़िया सा। वेजिटेबल कटिंग्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और हम लोग जो हमारे क्लासेस कराते हैं महीने भर 2 महीने के, उसमें हम स्टूडेंट्स को वेजिटेबल कटिंग्स ज़रूर करवाते हैं, सिखाते हैं। और इसके बाद मैं इसको इसमें डालूंगी और यहाँ देखें अपन कि ये क्या हुआ। ये देखिए, इतनी देर हमने इसको छोड़ दिया था फिर भी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन पेशेंस बहुत रखना क्योंकि इसको भूनना बहुत है। देखो ये काफ़ी भून चुका है और तेल इसने छोड़ दिया है, तेल पूरा छूट गया है और ये भून गया। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही खट्टा हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसे ही ले लें, क्योंकि ऊपर से हम नींबू इसमें देखिए कि ये दही डालने के बाद इसको हमें खूब अच्छे से मिक्स करना है। दही रिड्यूस होता जाएगा और जब दही पूरा रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी।
देखिए स्वीट कॉर्न से जब हम भुट्टे का क्रिस्प बनाते हैं तो अगर हम इसमें शक्कर नहीं भी डालें तो चलेगा, लेकिन जो देसी कॉर्न से बनाते हैं उसमें शक्कर बहुत ज़रूरी है। तो ये भुट्टे पहले ही इतने मीठे होते हैं कि हम शक्कर नहीं भी डालें तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी शक्कर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम डालेंगे। और देखो ये पूरा रेड्यूस जैसे ही हो जाएगा ये पकेगा, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूध। हम दूध और दही, जैसे ही दही रिड्यूस हो जाता है फिर इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, और हम इसमें दूध और दही दोनों डालते हैं। और इसके बाद इसको मैं ढक्कन डाल के ढक्कन लगा दूंगी, और ढक्कन लगा के फिर इसे पकाऊंगी 2 मिनट। मैंने इसको ढक्कन लगा के पकाया था ताकि ये कच्चा नहीं रहे। और देखो इसमें थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर दिखने लगा, और तेल के साथ में इसको मैं हिलाऊंगी तो इस अच्छी तरह से इसका सब मिक्स हो जाएगा। ये भुनने के साथ पकना भी बहुत अच्छा चाहिए, नहीं तो ये कच्चा रहने से पेट दुख सकता है, क्योंकि कॉर्न है ये टोटल। अब इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला था, 1 टीस्पून नमक, और हमने शक्कर थोड़ी सी डालनी है, 1 टीस्पून हम शक्कर डालेंगे। नमक और शक्कर डालने के बाद इसमें डाला जाता है नींबू का रस। तो मेरे पास यहाँ नींबू है, मैं नींबू का रस भी इसमें डालती हूँ। नींबू को अच्छे से इसमें निचोड़ के, नींबू भी है दही भी है शक्कर, खट्टा मीठा सा इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा गीला रखते हैं इसको। मैंने आपको पहले बताया था कि भुट्टे का किस 2 तरह से बनता है, एक फरका किस जिसमें बेसन डलता है, और एक गीला किस। और ये जो किस है इसमें ऊपर से मैं डालूंगी हरा धनिया। हरा धनिया जब इसमें हम डालते हैं तो फिर इसको अच्छी तरह से फिर से भूनेंगे ताकि धनिए की फ्लेवर आ जाए और ये कच्चा भी नहीं रहे। ये भुट्टे का किस तैयार है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि हमने इसको ढक के पूरा पकाया है, और दूध और दही जो हम इसमें डालते हैं वो उसको पचाने के लिए बहुत अच्छा है। ये रेडी है, अब इसको मैं डेकोरेट करूँगी। नारियल, सूखा ग्रेटेड नारियल, इसके ऊपर से इंदौर की कोई भी चीज़ जो होती है उस पर सेव ज़रूर होती है, बारीक सेव, और उसके ऊपर से हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा सा इस पे डलेगा जीरा वन, ये भी यहाँ बहुत डाला जाता है जीरा वन, तो थोड़ा ही डालें क्योंकि इसमें मिर्ची बहुत होती है। और ये भुट्टे का किस रेडी है।